बिजनेस 10 गुना कैसे बढ़ाए, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी पेशेंट डिप्रेशन में आते हैं, मालूम पड़ता है कि उनका बिजनेस जो है वो चौपट हो चुका है, या बिजनेस जैसा बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ता नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है और काफी सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देते हैं बिजनेस में। फिर मैं उनको बिजनेस के बारे में कुछ बताता हूँ, वही आपसे मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। एक तो यह है कि लोग जो काम करते हैं उनको ये मालूम नहीं कि ये काम क्यों कर रहे हैं, मतलब उनके बिजनेस में कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई उद्दिष्ट नहीं है। उनको ये मालूम नहीं कि जो भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो नंबर एक, विजन मिशन नहीं है। नंबर दो, बिजनेस जो है वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। जब तक वो वहां मौजूद है तब तक वो बिजनेस चल रहा है, मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो नो छुट्टी, 8 घंटे 6 घंटे जैसा काम कर सकते हैं, नहीं तो भी बहुत हार्ड वर्क करना और बाद में फिर कुछ तकलीफ हो गई, बीमार हो गए, बिजनेस बंद, सब एक आदमी के ऊपर काम है। तो ऑटो पायलट पे नहीं है बिजनेस, अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है। फिर तीन जो है, उनके पास में टीम नहीं है इसका, तो टीम का विकास करना बहुत जरूरी है। यदि टीम का विकास वो करते हैं, अच्छी एक टीम उनके पास में है, तो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। जैसा अकबर के पास में नवरत्न थे, तो नवरत्न दरबार था, अकबर के पास में बिरबल था, आपके पास में कौन से नवरत्न है? तो नवरत्न का दरबार होना जरूरी है, वो टीम जो आपको सलाह दे रही है, जो आपके साथ में काम कर रही है, तो वो जरूरी है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो 14th पॉइंट जो है वो है द्वितीय पंक्तियों के नेताओं का विकास नहीं होना, सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप। मतलब पहली लेवल नहीं है तो सेकंड लीडर एकदम सेकंड लेवल जो है वो उसको टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पहली जो लाइन है लीडरशिप की वही है और उसके नीचे फिर कोई भी नहीं है। तो वो उतना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप का हुआ नहीं है और उसमें फिर प्रॉब्लम है, वो एक कारण। वो यदि करते तो बिजनेस 10 गुना बढ़ सकता है। फिर 5वां जो है कि प्रत्येक कार्य और विभाग से संबंधित जो है वो एक सिस्टम डेवलप करना जरूरी है, कार्य प्रणाली डेवलप करना जरूरी है। या कोई भी काम है, वर्क है, तो उसके लिए सिस्टम क्या है, सिस्टम्स नहीं डेवलप। तो वो यदि होती रहती है तो सबको मालूम है कि कौन से समय पे कौन सा काम किस तरह से करना है। फिर 6वां जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है वो उनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, वो स्टैंडर्डाइज नहीं की हुई, उनका मानक कुछ निर्धारण नहीं किया हुआ है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ही नहीं है, और उसके वजह से फिर वो बिजनेस बड़ा नहीं होता है। फिर हर बार इमोशंस, मूड्स या मालिक, वो जैसा बोलता है उसके दिमाग में जैसा आता है वैसा बिजनेस चलता है। फिर 7वां जो है वो विकास की रणनीति जो है तो वो लागू नहीं है, मतलब देर इज नो क्रिएटिविटी, देर इज नो इन्वेंशन, देर इज नो चेंज इन द बिजनेस, जो चल रहा है वो चलने दो। तो जो चल रहा है चलने दो, ऐसा है कि पिछले 5 साल से जो करते आ रहे हैं वही अभी कर रहे हैं, और दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है, इतना चेंज होते जा रहा है हर क्षेत्र में कि कल जो माल बेचा हो आज शायद आप नहीं बेच पाओगे, इतना हो। कल का मोबाइल फोन जो है वो पुराना हो जाता है, आज का एक नया मॉडल आ जाता है, कल एक कार आ गई आज नई कार आ जाती है, वो कल का मॉडल जो है पुराना हो जाता है। तो ऐसे इतने अलग अलग फास्ट डेवलपमेंट होते जा रहे हैं कि वो यदि चेंज हमने हमारे बिजनेस में लाया नहीं तो हम पुराने हो जाते हैं, और वो यदि विकास की रणनीति नहीं है तो बिजनेस आगे चलता नहीं है। तो जो मैंने पॉइंट बताया, यदि आप करते हैं तो बिजनेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जिनके बिजनेसेस है वो शेयर करो। वो यदि करते हैं अच्छा अपना बिजनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिलता है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश एक महासत्ता बनने के लिए उसका उपयोग हो जाएगा। सो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।